सेवन क्लास डे 14। डे 14 में बेटा आपने सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको MCQs दिए हुए हैं, फोर ऑप्शन है, फोर में से एक राइट है, थ्री रोंग्स है। आपने उसको बड़ा तवज्जो से पढ़ना है एंड देन आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट केयरफुली रीड द स्टेटमेंट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स इज कॉल्ड। अगर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स दी हों तो बेटा मोनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या ऑल ऑफ दिस। तो बेटा थ्री का मतलब ट्राई, मोनोमियल वन, बाइनोमियल टू को कहते हैं, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स को कहते हैं। तो राइट आंसर इज ट्राइनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और एक्स की पावर थ्री आ जाएगी। राइट आंसर इज माइनस एक्स की पावर थ्री। द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स फोर फोर वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई एंड एक्स थ्री माइनस वाई प्लस फोर एक्स। अब हम इनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसकी जो ग्रेटर टर्म आएगी डिग्री वो एक्स की पावर फोर आएगी, तो इसलिए इसकी डिग्री आ जाएगी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अवे टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेक अवे मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्शन, टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्शन। इस वैल्यू इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ये जो वैल्यू है ग्रेटर इसको पहले लिखना है, माइनस सेकेंड वाली वैल्यू को, मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, फ्रॉम वाली वैल्यू को पहले लिखना है। जब हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन। फाइव वाली है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ एक्स प्लस थ्री एंड ब्रेथ इज एक्स माइनस फाइव। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको पता है बेटा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपने ये लेंथ एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर देना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। ठीक है बेटा, केयरफुली आपने आंसर टिक करने हैं। अल्लाह हाफिज़।